still hear a sound. Someone still पहुंच चुके हैं इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कर रहे हैं अंताल्या रीजन की जानब, तो चलते हैं बोर्डिंग पास लेने के लिए काउंटर पे। तुर्किश एयरलाइंस से हम लोग इस्तांबुल टू अंताल्या रीजन जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस्तांबुल का, बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी फ़्लाइट जो है वो एक घंटा लेट हो जाएगी। अंताल्या की आज रवानगी थी इस्तांबुल से, तो खैर फ़्लाइट तो खैर इंटरनेशनली कहीं भी लेट हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर वेदर और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो 2:15 बजे मुझे अंताल्या पहुंचना था, लेकिन अब आई गेस 3:30 तक हम लोग अंताल्या पहुँचेंगे। तुर्किश एयरलाइन के जहाज़ लग चुके हैं तकरीबन, आप देख सकते हैं। अंताल्या एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं तकरीबन 1.25 घंटे की फ़्लाइट के बाद। फ़्लाइट लेट हुई है लेकिन हम अब खैर अंताल्या पहुंच चुके हैं। अंताल्या एयरपोर्ट पे भी इस्तांबुल एयरपोर्ट की तरह अगर आप अपनी प्राइवेट रेंटा कार लेना चाहते हैं, अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपने बनवाया है, और मैं कहता हूँ जो अच्छे ड्राइवर हैं हाईवे वगैरह के, जिनके शौकीन हैं, तो वो ये ऑप्शन पर आ सकते हैं क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ता है और ईज़िली आप अपने हिसाब से घूम सकते हैं। तो ये देखें, ये तमाम कंपनीज हैं, सिजी है, इंटरप्राइज़ है, यूरोप कार है और मुख्तलिफ कंपनीज हैं, आप इनसे बात करके बार्गेनिंग कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने करेंसी एक्सचेंज करनी है तो वो भी काउंटर लगे हुए हैं, आप यहाँ से इजीली तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो जैसे अंताल्या एयरपोर्ट और हमारी गाड़ी आ चुकी है होटल ट्रांसफ़र के लिए, और ये भी मैंने ऑनलाइन कराई थी, ये भी मुझे काफ़ी मुनासिब पड़ गई, 15 यूरो में हुई है ये, तो प्राइवेट गाड़ी है ये, तो ये मुझे लारा होटल छोड़ेगी, तो ये एक्सपीरियंस भी आप लोग कर सकते हैं। और ये तमाम लिंक मैं वेबसाइट में डाल दूँगा। सो फाइनली वी रीच अंताल्या और अब होटल ट्रांसफ़र की बारी है। होटल ट्रांसफ़र के लिए वैसे तो आप टैक्सी का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट पे मौजूद भी होते हैं ऑप्शन मुख्तलिफ, बट वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे। बेहतर ये है कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव पैकेजेस मिल जाते हैं। तो जिस वेबसाइट से मैंने ये बुकिंग करवाई है अंताल्या टू माय होटल, लारा होटल में मेरी बुकिंग है, तो उसे आप वहाँ से करवाएंगे तो आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। मुझे जस्ट 15 यूरो का ये पैकेज पड़ा है, यानी तकरीबन 2800-2900 रुपये पाकिस्तानी। तो आप इस तरह से ये चीज़ें भी कर सकते हैं, मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगा। गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ियाँ ट्रांसफ़र की बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, काफ़ी लग्जरी कार्स होती हैं, ये वैन होती हैं बेसिकली, और काफ़ी लग्जरी होती हैं ये, और इसका इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये गाड़ी है लग्जरी, आमने सामने इसकी सीट्स हैं। लेकिन वो लोग जो ख़ुद ड्राइविंग करना चाहते हैं, ड्राइविंग के शौकीन हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट उनके पास है, तो उनको मशवरा दूँगा मैं कि उन्हें हमेशा अपनी जो है ना रेंट पर कार लेनी चाहिए फुली इंश्योर करवा के। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए, क्योंकि अपने तरीके से आप घूमेंगे, जिस तरह से हम पाकिस्तान में घूमते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, हम गाड़ी लेके अपनी चले जाते हैं, तो उस तरीके से आप जब घूमेंगे यहाँ के ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करते हुए, तो आप बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो ज़्यादा
ड्राइविंग करना पसंद नहीं करते हैं, लॉन्ग रूट पे ड्राइविंग नहीं करते, अवॉइड करते हैं, जैसे मैं, मुझे नहीं पसंद बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करना, तो फिर उनके लिए दो ऑप्शन हैं कि इस्तांबुल में वो इस्तांबुल कार्ड का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, और दूसरा ऑप्शन ये कि अगर आपके साथ फैमिली है, आपके साथ सामान ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि आप उबर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, भी टैक्सी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे उबर यूज़ की तो मुझे मुनासिब लगा, कराची से डबल रेट थे, मतलब मिसाल के तौर पर आधे घंटे की आप ड्राइव पे जा रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल 500 बनते हैं तो यहाँ पर आप समझ लें कि 1000 आपके बने। सो फाइनली अंतालिया पहुँच चुके हैं और लारा होटल में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और होटल पहुँच के दिल हो गया है खुश, क्योंकि होटल वाकई बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़ के अंतालिया उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत शहर है। और मैं आपको सबसे पहले होटल का नज़ारा करवाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में सीन क्या ऑन हुआ है। देखिए ये है होटल, वॉशरूम है, और ये है मेरा होटल जो मैंने ये करवाया है, वार्डरूम है, और ये है एक्चुअल में सीन। This is the view from my hotel. This is the Lara Beach, Antalya, Turkey. This is the view. The swimming pool है, और नीचे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से नज़ारे हैं, और ये है Lara Beach. बहुत ही ज़बरदस्त हवा है, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पर, और बस स्विमिंग पूल देख के बस अब नहाने का दिल चाह रहा है, तो मैं चेंज करके बस डुबकी लगाने जा रहा हूँ। तो इस्तांबुल के बाद अंतालिया पहुँच के बिल्कुल ही मूड चेंज हो गया है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग रंग है अंतालिया का, और बहुत ज़बरदस्त जगह है अंतालिया। अभी है अंतालिया, और अभी आधा घंटा मैंने स्विमिंग ली है और काफ़ी फ्रेश हो गया हूँ, और बहुत ही इंग्लिश सीन है यहाँ पर। बस घरवाली से चुपके आना होगा आप लोगों को, लेकिन मेरी घरवाली मेरे साथ है इसलिए कोई डर नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर पूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है होटल, दिस इज़ Lara होटल, और ये है Lara बीच। तो हर वक्त आपके सामने समंदर का व्यू होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये होटल है, और सामने आप देखें कि पहाड़ भी हैं, आगे वाटरफॉल भी है, बच्चों के लिए पार्क वगैरह भी बने हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त ये शहर है अंतालिया। तो तुर्की आएँ तो इस्तांबुल के साथ साथ अंतालिया रीजन आपने लाजमी आना है, और आप यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर भी कर सकते हैं, जिसमें डीप सी डाइविंग है, स्काई डाइविंग है, और वाटर बोर्ड और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने काफ़ी देर जो है स्विमिंग की है, तो अब रूम में जाके थोड़ा सा सोने का मूड है, तो आपसे मिलते हैं फिर। तो जी सुबह हो चुकी है अंतालिया में, और इस वक्त है ब्रेकफास्ट टाइम, और ब्रेकफास्ट में देखें मुख्तलिफ बहुत सारे आइटम हैं, मुख्तलिफ किस्म के जैम और मक्खन हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये अगर आप कॉम्प्लेक्स और दलिया खाने के शौकीन हैं तो उसके मुख्तलिफ आइटम हैं, उसके अलावा यहाँ पर ऑलिव्स की वैरायटी और सैलेड के बहुत ज़्यादा कुछ लोग खाते हैं, टमाटर वगैरह, और ये है पनीर के मुख्तलिफ टाइप, कॉफ़ी, टी की वैरायटी है यहाँ पर, आइस टी एंड रेगुलर टी और कॉफ़ी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये है
दो हैं छोटे, एक ये है पोटैटो। तो मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट एंजॉय, और आप भी कीजिए ब्रेकफास्ट अपना एंजॉय। मौजूद हूँ अंतालिया में लारा बीच पे, मुख्तलिफ बीचेस हैं, इसका नाम डोडो बीच है, फिर आगे लारा बीच भी है। ओवरऑल ये बेसिकली लारा बीच ही कहलाता है, और बहुत ही खूबसूरत बीच है ये, वेल मैनेज, वेल डेवलप, तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, और इतना नीट एंड क्लीन ब्लू वाटर है कि देखते ही जो है वो डुबकी लगाने का दिल चाह रहा है। तो ये देखें यहाँ बैठने की अरेंजमेंट है सारी, यहाँ पर आज आप आके ठंडी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की सारी जो कुड़ियाँ हैं वो शायद कहीं और चली गई हैं, उनको पता चल गया है कि हम यहाँ आ गए हैं, इसलिए सारे आपको बेड्स खाली नज़र आ रहे होंगे। एडवेंचर करना चाहते हैं तो बोर्ड्स वगैरह, स्पीड बोर्ड वगैरह सब हैं। और ये देखें पानी की आप ब्यूटी देखें, कलर देखें। पहले मैं आपको ऊपर से व्यू देता हूँ, और इस समंदर की ख़ास बात ये कि पीछे देखें इसके माउंटेन्स हैं जिन पर बाकायदा बर्फ़ पड़ी हुई है। ज़बरदस्त मनाजिर हैं यहाँ से आप ब्लू वाटर, पानी को देखते ही दिल जाएगा, बंदा डुबकी लगा ले पानी में।